हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद एमके में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 26 जनवरी के ऊपर एक बहुत ही शानदार भाषण, तो आप लोग ध्यान से इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और भाषण को मैंने आसान लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और आप कॉन्फिडेंस में भाषण दे सको। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लिखा है वो लिखा है कि परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय। अब आप देखिए, अब हो सकता है कि आप स्कूल के लिए भाषण ना देख रहे हो, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है कि आपको यहाँ पर चेंज करते रहना है। जैसे ये हेडिंग हुआ, अब परम आदरणीय आपके हो सकता है कि आप जहाँ पर भाषण दे रहे हो वहाँ पर अध्यक्ष हो, या हो सकता है जहाँ पर आप भाषण दे रहे हो वहाँ का प्रधान मुखिया जी हो। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में जो सबसे हेड है उनका नाम लेना है कि परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद उनसे जो नीचे रहे जैसे कि आदरणीय सभी शिक्षक एवं शिक्षिकागण, तो आप जैसे मान के चलो अगर आपने बोला कि परम आदरणीय मुखिया जी, तो क्या बोलोगे कि उसके बाद आदरणीय सभी कार्यकर्तागण। इस तरह से आपको चेंज करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है और आप किसी भी टॉपिक पर इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से अच्छा भाषण दे पाएंगे। तो चलिए इसको ध्यान से देखते रहिए। परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, आदरणीय सभी शिक्षक एवं शिक्षिकागण, यहाँ पधारे सभी अतिथिगण एवं मेरे तमाम फ्रेंड्स, आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग हो गया। और यहाँ जो थ्री थ्री आपको डॉट दिख रहा है, ये तीन तीन डॉट, आप ऐसा हिंदी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये मैंने भाषण लिखा इसलिए मैंने यहाँ थ्री डॉट लगाया है। नहीं तो अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखेंगे ना तो ये अशुद्ध लिखा है, लेकिन ये जो जहाँ जहाँ थ्री डॉट है ना वहाँ वहाँ रुकोगे ना तो बहुत ही कॉन्फिडेंट लगेगा कि यार वाकई में भाषण दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक के बार में रामायण या सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता, जैसे मोदी जी कितना अच्छा भाषण देते हैं, उनका यही स्ट्रैटजी रहता है कि वो बहुत ही आराम आराम से भाषण देते हैं। जैसे मैं आपको फिर से सुनाता हूँ कि परमादरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, आदरणीय सभी शिक्षक एवं शिक्षिकागण, यहाँ पधारे सभी अतिथिगण एवं मेरे तमाम फ्रेंड्स, आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखा आपने, ये जो थ्री डॉट को आप यूज करोगे बहुत अच्छा भाषण रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आज का यह पावन दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। अब हम यहाँ पर बोल लेंगे क्योंकि गणतंत्रता दिवस तो संविधान के ऊपर बात करना पड़ेगा ना, और स्वतंत्रता दिवस रहता तब तो हम आज़ादी की बात करते थोड़ा बहुत, यहाँ तो हमें संविधान की बात करना पड़ेगा। और एक लाइन जो मैंने यहाँ पर जोड़ा है ना, अगर आप इस लाइन को अच्छा से कॉन्फिडेंस में बोल दिए ना तो सुनने वाला तो सुनता ही रह जाएगा कि वाकई में ये पढ़ा लिखा आदमी है और भाषण दे रहा है। देखिए, इसमें हमने जोड़ा है कि सौभाग्य से आज गुरुवार का भी दिन है। ये भाषण मैंने 26 जनवरी 2023 के लिए लिखा है, अगर ये 2024 में वीडियो देखा जाए तो ये लाइन आपको नहीं बोलना है। तो 2023 के लिए क्या बोलना है कि सौभाग्य से आज का दिन गुरुवार का भी दिन है, क्योंकि जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था वह दिन भी गुरुवार का ही दिन था। जब लोग ये सुनेंगे तो लगेगा उनको कि हाँ यार तैयारी, इसको कहते हैं कि भाई पूरा दिन तक देख कर क्या है बंदा, जो बंदा भाषण दे रहा है ना वो पूरा दिन तक उसको मालूम है कि जो हमारा 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था वो भी गुरुवार का दिन था और ये भी गुरुवार का ही दिन है। तो ये लाइन दोस्तों आपके भाषण में चार चांद लगा देगा। अब हम देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, चूंकि हम भाषण गणतंत्रता दिवस पर दे रहे हैं तो हमें जो है इस भाषण में यहाँ पर मेनली रूप से संविधान की बात करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों का भी नाम ले लेता हूँ। अब आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि हम इसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेंगे। दोस्तों, वहाँ बहुत सारे ज्ञानी बैठे हुए हैं ऑलरेडी, आपको अपना भाषण कॉन्फिडेंस में बस डिलीवर कर देना। ठीक है, तो आप आसान लैंग्वेज का यूज़ करेंगे कि हम बोलेंगे कि आज के इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी वीर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपनी शहादत देकर हम सभी भारतवासियों को स्वतंत्र एवं गणतंत्र किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक शायरी बोलना है।
शायरी आपको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आपका भाषण बहुत ही कॉन्फिडेंट लगे, ठीक है, कि हाँ यार कोई बोल रहा है यहाँ पर, सुनने वाला भी थोड़ा सुने, और आपको दो चार दोस्त भी रेडी रखना है कि भैया मैं जब शायरी बोलूँगा तो ताली बजा देना ताकि सारे लोग ताली बजाएं। तो अब आपको बोलना है कि ना ये सरकार मेरा है, ना ये अभिमान मेरा है, ना बड़ा नाम मेरा है, ना ही फरमान मेरा है, मुझे तो बस एक बात का हमेशा गर्व रहता है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। दोस्तों ये आपको शायरी बोल देना है। अब इस शायरी के बाद आपको यहाँ पर अपने कंट्री के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि मुझे काफ़ी गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। हमारे देश का ये प्यारा संविधान हमें जितनी स्वतंत्रता प्रदान करता है, बहुत कम ही ऐसे देश है जहाँ इतनी स्वतंत्रता मिलती है। देखिए दोस्तों, चूंकि हम जो आज भाषण दे रहे हैं, यानी 26 जनवरी को जो भाषण देंगे, वो चूंकि संविधान से रिलेटेड बात है, तो हम यहाँ पर संविधान की बात कर रहे हैं कि हमारे देश का संविधान जितनी स्वतंत्रता हमें दे रहा है ना, उतनी स्वतंत्रता बाकी देश के संविधान उन्हें नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका श्रेय हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम उनको कोट कर दिए कि भाई हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी अप्रिशिएट कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पर एक बहुत ही शानदार लाइन नीचे जोड़े हैं, जो शायरी में जब मैं भाषण लिख रहा था तो बैठ करके सोचते सोचते एक लाइन मैंने शायरी बनाया है। आप लोग कॉमेंट कीजिएगा कि ये शायरी कैसा है, पहले सुनिए। तो इन्होंने संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए हमने कहा क्या कहा कि इसका श्रेय हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है, जिन्होंने या इन्होंने संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। यहाँ पर इन्होंने को सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आधा ना होगा। अब देखते हैं दोस्तों शायरी, शायरी मैंने बैठे बैठे बनाया है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा शायरी है। तो संविधान से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो अब सुनिए कि जरूरी नहीं कि हर बातें, अरे जरूरी नहीं कि हर बातें लिख दी जाए इस संविधान में, हम लोग भी अपना फर्ज निभाए, देशभक्ति दिखाए ईमान में। यानी कि आज जो संविधान से रिलेटेड जो डे है, हम लोग जो गणतंत्र हुए हैं, हमें जो संविधान द्वारा इतनी स्वतंत्रता मिली है या फिर नियम कानून जो है, तो जरूरी थोड़ी है ना यार कि हर छोटी छोटी बातें संविधान में लिख दी जाए, हम लोगों का भी तो फर्ज बनता है। देखिए आप जब भाषण दे रहे हो और आपके भाषण से लोगों को कुछ भी सीख अगर नहीं मिला तो आपका भाषण देना व्यर्थ है। इसीलिए मैंने ये शायरी जोड़ा है कि जरूरी नहीं कि हर बातें लिख दी जाए इस संविधान में, हम लोग भी अपना फर्ज निभाए, देशभक्ति दिखाए ईमान में। और आपको कहना है कि इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ, धन्यवाद। देखिए ये आपके भाषण का निष्कर्ष हो गया, ठीक है, और ये मैंने भाषण को थोड़ा एकदम शॉर्ट रखा है ताकि आप जाएं और एकदम धमाका करके आए तुरंत, और बहुत ही एक्टिव और जल्दी वाला भाषण, और बहुत ही आपको शानदार तरीके से भाषण देना है ताकि ताकि वहाँ सुनने वाला सुनते ही रह जाए, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट भाषण था ये, अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो बहुत ही आपका भाषण कॉन्फिडेंट रहेगा। आपको सीधा बोलना है किसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। आपको अगर ये PDF चाहिए तो दोस्तों PDF जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर आपको कोई अदर PDF चाहिए, थोड़ा लंबा भाषण या फिर अदर टॉपिक पे, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको PDF दे दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस के साथ, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।